सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सिंपली लर्न विथ राज को और प्रेस करें बेल आइकन सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू सिंपली लर्न विथ राज। मैं राज आज आपसे बात करने वाला हूँ एडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि 2016 तक के जितने भी एडियम्स एंड फ्रेजेस थे एसएससी सीजीएल के या फिर और दूसरे एसएससी के एग्जाम्स की, हम उसकी बात करेंगे और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। टोटल 8 अपना सेट वीडियोस होगा, जो 8 सेट होगा, 8 वीडियो के तौर पे हम उसे लेकर आएंगे। प्रत्येक में अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज अगर एक ही स्ट्रेच में 800 करें तो आपको ना देखने में अच्छा लगेगा, ना समझने में, और ना ही वो एक तरह से वीडियो जो होगी वेस्ट होगी और मेहनत भी वेस्ट हो जाएगी। तो चलते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो अपना पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है थॉटलेस स्टेटमेंट, बिना मतलब की जो बात कही गई होती है वो, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने यह दिया स्वीपिंग स्टेटमेंट। झाड़ू था तो स्वीप कर दिया उन्होंने कि दिल्ली में हर जगह वो सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, एक्सेट्रा वाईफाई जोन देंगे। तो ये क्या था? थॉटलेस स्टेटमेंट था, बिना मतलब के जब जैसे चाहो वैसे कह दिया। ऑल एट सी, इट मीन्स पजल्ड। ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड, समथिंग कंफ्यूज टाइप, पजलिंग टाइप, सारा एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाना, जिससे अगर सारी सामान एक ही जगह इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा, पजल्ड हो जाएगा, उसको सही करना मुश्किल होगा। एनफ रोप, एनफ रोप का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए एनफ फ्रीडम होना। अगर रस्सी बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो आप उसको जितनी दूर चाहो खींच सकते हो, तो एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। बाई फिट्स एंड स्टार्ट इरेगुलरली, तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट इरेगुलरली कैसे होता है? जैसे मान लीजिए एक बाइक है, अगर उसमें क्या करते हैं जो इंडियंस है कि कुछ जुगाड़ लगाओ, समथिंग जुगाड़ टेक्नोलॉजी, और उसे चलाओ, तो इरेगुलरिटी के हिसाब से भी उसे चलाते रहते हैं। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट इरेगुलरली होता है। फेल, फॉल ऑफ, गॉट इन टू ट्रबल विथ, किसी चीज मतलब कोई थिंग है उसके साथ, मतलब एक मुसीबत में फंसना, जानबूझकर मुसीबत में फंसना। फेल, फॉल ऑफ, गॉट इन टू ट्रबल विथ। टोकन स्ट्राइक, किसी चीज के लिए वार्निंग देने के लिए एक छोटा सा स्ट्राइक, तो उसीलिए इसको टोकन स्ट्राइक कहते हैं। तो शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग कि अगर सुधर जाओ, नहीं तो फिर लंबी स्ट्राइक करेंगे। फेस द म्यूजिक, अपने कर्मों के हिसाब से, जैसे कि अगर आपने कैसे काम किए हैं उसके लिए रिप्राइमेंडेड होना, सजा पाड़ना या फिर डांट फटकार या उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे उसको भुगतने के लिए तैयार, कि फेस रेडी फॉर फेस द वी हैव डन ऑल रॉन्ग थिंग्स देन रेडी फॉर द टू ready to face the music, okay? It means अब सारे जो गलत काम कर लिए हैं तो आप म्यूजिक को फेस करने के लिए आप रेडी हो जाओ, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको फेस करने के लिए आप रेडी हो जाओ। लुक डाउन अपॉन, हेट इंटेंशनली, लुक डाउन अपॉन का मतलब हो गया जैसे कि मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, सामने वाला बात कर रहा है बट आप उसको इग्नोर करना चाहते हो, ठीक है, घृणा करते हो उससे, तो आप सर इधर उधर करोगे उसको एज ए इंटेंशनली, जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो, तो उसे हेट इंटेंशनली, तो लुक डाउन अपॉन। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस इफॉर्ट, अपने समय जो है उसको व्यर्थ करना। अगर फ्लॉगिंग का मतलब अ डेड हॉर्स, इट मीन्स एक मरे हुए घोड़े को पीटना, क्या हुआ, अपना टाइम व्यर्थ करना। अगर आप उसको मार रहे हो जानबूझ के तो अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हो जो ऑलरेडी मर चुका है, तो वेस्टिंग अ टाइम इन यूजलेस इफॉर्ट, जो काम हो चुका है उसमें अपना टाइम वेस्ट करना। अंडर अ क्लाउड, अंडर सस्पिशन, इट मीन्स किसी, जैसे कि शक के घेरे में आना, तो अगर कोई कहे यू आर अंडर अ क्लाउड या फिर यू आर अंडर अ क्लाउड, इट मीन्स तुम शक के घेरे में हो। ग्रीन थंब, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट, नेचर के प्रति इंटरेस्ट को ग्रीन थंब कहते हैं। प्लेड हैवॉक, कॉज डिस्ट्रक्शन, किसी चीज के चलते डिस्ट्रक्शन होना, तो प्लेड हैवॉक, जैसे अर्थक्वेक जो था वो प्लेड हैवॉक, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करके चली गई। नो लव लॉस्ट, नो लव लॉस्ट बिटवीन,
ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट ऑन द गुड टर्म्स, जैसे कि दो पर्सन है वो एक दूसरे से राजी तो हो गए किसी टर्म पे, किसी एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए, बट नॉट ऑन द गुड टर्म्स, किसी जैसे अपने सहमति के नहीं। हो सकता है कि उनकी कुछ अपनी इंटेंशनल पर्सनल प्रॉफिट हो, तो गुड टर्म्स सीधी जैसे कि होता है ना कि एकदम हंसी खुशी, तो उस तरह से नहीं, नॉट ऑन अ गुड टर्म, ऑन अ बैड टर्म फॉर देयर सेल्फिशनेस और ड्यू टू अदर रीजन, तो उसके लिए वो राजी हो गए। तो नो लव लॉस्ट बिटवीन का होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स। फेयर एंड स्क्वायर ऑनेस्ट, राम इज फेयर एंड स्क्वायर, इट मीन्स ऑनेस्ट पर्सन। ए वाइट एलिफेंट, कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशन। आउट एंड आउट, टोटली, इट मीन्स आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से। ऑन द कफ, ऑन क्रेडिट, इट मीन्स अगर कोई कहे कि आपको ये चीज ऑन द कफ पे ही मिलेगी, यानी कि पैसे देने, ऑन द क्रेडिट पे ही मिलेगी। डज नॉट होल्ड वाटर, कैन नॉट बी बिलीव्ड, इट मीन्स अगर कोई कहे कि यू आर नॉट अप टू और ही डज नॉट होल्ड द वाटर, यानी कि आप किसी के बारे में कह रहे हैं तो उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी बिलीव्ड, उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता। ए वाइल्ड गुड चेज, फ्यूटाइल सर्च, मतलब व्यर्थ की सर्च करना, फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ, ठीक है, तो व्यर्थ में कुछ बेकार सा सर्च कर रहे हैं, वाइल्ड गुड चेज, बिना मतलब का सर्च कर रहे हैं। इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे कि मान लीजिए अगर आग लग गया, ठीक है, तो कैसे एकदम दुबक के कोई बैठ जाता था, इन ए टाइट कॉर्नर, तो डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो उस आग लगे हुए सिचुएशन में इन ए टाइट कॉर्नर कोई कह दे कि वो देखो एकदम इन ए टाइट कॉर्नर वो बैठा हुआ है, इट मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन में एकदम छिपके कोने में बैठा हुआ है। हियर रिपीटेड, गोइंग प्लेसेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। गोइंग प्लेसेस अगर मुहावरा है तो उसका मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। इन अ कोल्ड ब्लड, ए मर्डर डन विदाउट इंटेंशन, जैसे खुद की जो मतलब ऐसी उसकी इंटेंशन नहीं थी कि उस खून किया जाए, तो इन ए कोल्ड ब्लड। ऑफ एंड ऑन, ओकेजनली, जैसे आजकल बहुत ऑफ ऑन हो रहे हो आप, क्या बात है, मतलब ओकेजनली दिखाई दे रहे हो। हार्ड एंड फास्ट, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब डू इट हार्ड एंड फास्ट, मतलब कोई एकदम स्ट्रिक्टली कह रहा है आपसे कि आप इसको करो, तो उसको स्ट्रिक्टली को मुहावरे के टर्म में कहे तो हार्ड एंड फास्ट। टुक टू हिल्स, रन अवे इन फियर। टुक टू हिल्स मतलब अपना जो सैंडल है, अगर मान लीजिए कोई लड़की है, उसके सैंडल के हील्स कितने बड़े होते हैं आप देखे होंगे, ठीक है, 3 से 4 इंच उनकी हाइट है, मतलब जो रियलिटी है वो हील होती है, तो अगर हील उनको भागना है तो क्या करेंगी, अपनी हील निकालती हैं, तो रन अवे इन फियर, जब उनको डर लगेगा, रन अवे इन फियर, तो टुक टू हिल्स, हिल्स अपना निकाल के भागें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बना नहीं सकते, बिकॉज याद करने के लिए आप किसी भी ट्रिक को यूज कर सकते हैं, प्रिफरेंस आपको देखना देखना है कि आपको किससे ज्यादा जल्दी याद होता है, ओके, तो आप अपने भी कुछ अगर आपकी मेमोनिक है तो उसे यूज कर सकते हैं। टू कीप अप, टू कीप इन टच। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इट मीन्स कन्फेस विदाउट रिजर्व, कुछ भी छिपाए बिना सब कुछ जो है कन्फेस कर लेना कि हाँ ये गलती है या फिर ये कुछ हुआ था। हेड विद रोल, हेड विल रोल, ट्रांसफर विल टेक प्लेस, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है उसको कोई फ्रेंड कहे यार हेड्स विल रोल, इट मीन्स ट्रांसफर तो पक्का है, होगा ही होगा। मेक नो बोन्स अबाउट, डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनी थिंग, किसी चीज में कोई हेजिटेशन नहीं होना, मेक नो बोन्स अबाउट। टेक आफ्टर, इट मीन्स रिजेंबल्स, टू स्टाव ऑफ, पोस्टपोन, किसी चीज को आगे बढ़ा देना। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, टू रिप्रीमेंड, पीस ऑफ माइंड, अगर मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, अगर आप किसी को एकदम फटकार दो, उसको डांट लगा दो, तो अचानक एकदम पीस ऑफ माइंड होता है, आपका स्टेट जो होता है शांत हो जाता है, उसी को कहते हैं रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड का मतलब होता है झिड़कना या फिर फटकार लगाना, ठीक है, या फिर डांटना, तो टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, किसी को आप डांट लगा दो, अपना दिमाग शांत कर लो,
क्लियर। रेस्ट ऑन लॉरेल्स, लॉरेल्स का मतलब होता है बहादुरी का पुरस्कार, इट मीन्स प्राइज फॉर दी ब्रेवरी, ठीक है। तो टू बी कम्प्लेसेंट, और कम्प्लेसेंट अगर मान लीजिए कि किसी को प्राइज मिला बहादुरी का, तो क्या होता है, आत्मसंतुष्टि होता है, तो टू बी कम्प्लेसेंट। पे थ्रू नोज, इट मीन्स पेइंग ए एक्सट्रीमली हाई अमाउंट, बहुत ज्यादा जो रुपया है उसको पे कर रहा है। अगर किसी को मान लीजिए सचिन तेंदुलकर ने जब अपनी पहली बार फरारी लाई थी, तो उसकी फरारी की कॉस्ट अप्रोक्स 1.6 करोड़ थी, और उन पे टैक्स जो लग गया था 1.35 करोड़ की अप्रोक्स लग गया था। तो पेइंग थ्रू नोज बहुत हाई कॉस्ट था, तो आप कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर वॉज पेइंग थ्रू हिज नोज। ओके, ड्रॉ ऑन फैंसी यूजिंग इमेजिनेशन, टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग मेक एन लेजिटिमेट लिविंग। लेजिटिमेट क्या होता है, लेजिटिमेट का मतलब होता है उचित या फिर युक्ति संगत, एक उचित जिंदगी जीना, मेक एन युक्ति संगत या फिर उचित जिंदगी जीना। तो टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग इट मीन्स अच्छी जिंदगी को पटरी पे लाना, राह पे ले आना, उसके हिसाब से जीना। गिव द गेम अवे, गिव आउट द सीक्रेट, गिव द गेम अवे इट मीन्स गिव आउट द सीक्रेट, जो जितने भी आपके राज है सारे बाहर निकाल देना। चिक बाई जॉल वेरी नियर, इट मीन्स जैसे जॉल का मतलब भी होता है आपका गाल, और चिक मतलब भी गाल होता है, तो दोनों गाल एक दूसरे से किस तरह मिलजुल के रहते हैं, तो उस बहुत करीब, उसी तरह बहुत करीब जो होता है उसको वेरी नियर कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट में बच गया तो कहते हैं ही वॉज सडन, अगर या फिर कहें ही सेव्ड जस्ट चिक बाय जॉल। ओके, मतलब वो बच गया, ही सेव्ड हिज लाइफ, उसने अपनी जान बचा ली बट जस्ट चिक बाय जॉल। ओके, यानी बहुत करीब से उसने अपनी जान बचा ली, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि मौत के मुंह में जाकर वो फिर से वापस आ गया, ठीक है। तो चिक बाय जॉल, इस तरह से आप इसको कुछ निमोनिक बना दें और एक सेंटेंस में यूज करें, ताकि जल्दी से आप इसे याद कर पाए या फिर ज्यादा समय तक आप इसे याद रखे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव इन, इट मीन्स येल्ड, येल्ड का मतलब होता है पैदावार। अगर गिव इन होगा, जैसे कोई कहे जितनी पैदावार हुई है, अगर कोई मान लेते हैं कि साहूकार, आपने सुना होगा गाँव में पहले होता था, ठीक है, तो साहूकार कहे कि गिव इन, जितनी भी पैदावार हुई है दे दो मुझे। रन राइट, एक्ट विदाउट रिस्ट्रेन, गो थ्रू फायर एंड वाटर, अंडर गो एनी रिस्क, मतलब आग और पानी में चले जाना, किसी भी रिस्क में चले जाना, कोई भी रिस्क ले लेना। टॉकिंग थ्रू हैट, टॉकिंग नॉन सेंस, बिना मतलब की बात कहना, मतलब कुछ भी, क्या जिसका कोई मतलब नहीं। पुट अप विथ, टॉलरेट, बाई फिट्स एंड स्टार्ट इरेगुलरली, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, छुपा हुआ बात जो है उसको समझना। गेट द सैक, डिसमिस्ड फ्रॉम, प्रोज एंड कॉन्स, कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स, सारे जो बात है, प्रोज एंड कॉन्स मतलब जितने भी बात है, अगर कोई प्रोडक्ट है उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, तो सारे चीज के फैक्ट्स को समझना। बाई लिप्स एंड बाउंड्स, इट मीन्स वेरी क्विकली, बहुत तेज। इन द गुड बुक्स, इन फेवर विथ बॉस, इन द लॉन्ग रन, अगर कोई कहे इन द लॉन्ग रन, वी आर गोइंग टू डू इट इन द लॉन्ग रन, इट मीन्स एट लास्ट, अल्टीमेटली हम इसे करने जा रहे हैं। टू बी ऑलवेज वन बेक्स एंड कॉल एट वन डिस्पोजल, मतलब किसी को जो किसी का कॉल आया, अगर कोई फ्रेंड आपको कॉल किया, ठीक है, और आप तुरंत तो चलो भाई घूमने चलना है, या फिर है फ्रेंड यहां मार हो गई है आप आ जाओ, या फिर जो भी काम हो, ठीक है, तो अगर फ्रेंड तुरंत रेडी हो जाता है तो ऑलवेज वंस बेक एंड कॉल, किसी भी सर्व करने के लिए अपने फ्रेंड या मास्टर के लिए रेडी होता है, तो ऑलवेज वन बेक एंड कॉल, किसका हो गया, एट वंस डिस्पोजल, या फिर रेडी टू सर्व वन मास्टर। टर्न अ डीफ ईयर, इट मीन्स डिसरिगार्ड, इग्नोर और रिफ्यूज। डीप का मतलब बहरा, अगर आप कान बंद कर लो तो आप डिसरिगार्ड कर रहे हो किसी की बातों का, ठीक है। एट वंस विट्स एंड, विट्स का मतलब होता है बुद्धि, तो जहां पे बुद्धि खत्म हो जाए तो वहां पे क्या होगा, इंसान पजल्ड हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा, क्लियर है। टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट इन अ डिटरमाइंड वे फॉर व्हाट यू वांट, इट मीन्स अपनी, जैसे कि आपका नाखून है, आपकी दांत है, तो आपको पता है कि कैसे एक दूसरे से लड़ना है, ठीक है, आप ही कैसे वो कटेगा, जो
मतलब कुछ लोग करते हैं, ठीक है, टू फाइट इन अ डिटरमाइंड वे व्हाट यू वांट। जैसे आपको अब क्या चाहिए, नेल को कटना चाहिए, तो दांत से आपको कैसे लड़ाना है वो आप जानते हैं। द ग्रीन आइड मोनेस्टर यूज एज अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलेसी, किस जो कोई जेलेसी है तो उस की मतलब उसके बारे में बात करने का एक तरीका। द ग्रीन आइड मोनेस्टर सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, गिव अ करेक्ट अकाउंट, गुड स्मार्ट यंग हेल्पफुल पर्सन। इट मीन्स अगर कोई कहे राज इज अ गुड स्मार्ट यंग, इट मीन्स हेल्पफुल पर्सन। बैड ब्लड एंग्री फीलिंग, आई एम फुल विथ बैड ब्लड, मतलब बहुत ज्यादा एंग्री फीलिंग्स है मेरे अंदर। टू गो टू द होल हॉग, टू गो टू द होल हॉग। अब हॉग का मतलब क्या होता है, हथिया लेना कुछ भी, तो टू डू इट कंप्लीटली, ठीक है। मान लीजिए किसी की संपत्ति है और जो रिलेटिव्स होते हैं वो उसे हथिया लेते हैं, तो वो क्या कहेंगे, अगर कोई थर्ड पार्टी है कहेगा कि टू गो टू द होल हॉग, पूरा हथिया लो, तो टू डू इट जो भी करना है कंप्लीटली करो, सारा हथिया लो, तो डू इट कंप्लीटली। ले आउट स्पेंड, लेइंग ऑफ डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स, लिप्स एंड बाउंड एट ए रैपिड पेस और वेरी क्विक, स्पीलिंग दी बीन्स, रिविलिंग दी इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रेटली। इनडिस्क्रेटली का मतलब होता है बिना विचार के, सोचा नहीं समझा नहीं कि ये बात कहेंगे। होता है जनरली जो फीमेल्स होती हैं या फिर कुछ मेल्स भी होते हैं ऐसे, कि बिना मतलब कि कोई बात को लिख कर देते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, बिना कुछ सोचे हुए इंफॉर्मेशन को लिख कर देते हैं। कैरी आउट एग्जीक्यूट, वेंट टू द विंड्स, डिसिपेटेड और टू बी अटरली लॉस्ट। अब अटरली का मतलब होता है पूरे रूप से, यानी पूरे रूप से खो जाना। इन्स एंड आउट फुल डिटेल्स, अ वाइट एलिफेंट, अ कॉस्टली बट यूजलेस पोसेसन। वेंट टू द विंड्स हो गया था, डिसिपेटेड टू द अटरली लॉस्ट, इन्स एंड आउट्स फुल डिटेल्स, अ वाइट एलिफेंट, अ कॉस्टली बट यूजलेस पोसेसन, ओके, फेड अप एंड वाइड। इसमें जो ये पोसेशन है, पोसेशन टर्म, इसका मतलब होता है कब्जा, ठीक है, अधिकार या फिर अधिकृत क्षेत्र। यूजलेस कॉस्टली है, वाइट एलिफेंट इट मीन्स कॉस्टली है बट यूजलेस पोजेशन, अधिकार जो है इस पे उस यूजलेस बिना मतलब का पोजेशन, ठीक है। फेड अप ऑन एनवायर्ड होता है, इट मीन्स पूरी तरह से उससे मन भर जाना, एनवायर्ड। इन द गुड बुक्स, इन द गुड बुक्स का हो गया इन द फेवर विथ शार्प प्रैक्टिसेस डिसऑनेस्ट मीन्स। शार्प जैसे कि अगर कोई किराने की दुकान का व्यापारी है, वो क्या करता है, शार्प प्रैक्टिसेस होते हैं, कैसे वो चोरी कर लेते हैं सामान को, बनिए जो होते हैं तुम पता भी नहीं चलता, तो डिसऑनेस्ट मीन्स के थ्रू ये सिर्फ उनके लिए है जो चोरी करते हैं। कुछ ईमानदार लोग भी होते हैं, मैं उनको मतलब उनके बारे में नहीं कह रहा, शार्प प्रैक्टिसेस डिसऑनेस्ट मीन्स, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन हाई स्पिरिट्स फुल ऑफ होप एंड एंथुसियासिज्म, इट मीन्स पूरी तरह से एक आशा का किरण जो होता है, खुशी मतलब कि हाँ हम कर लेंगे, तो इन हाई स्पिरिट्स वी आर लिविंग इन हाई स्पिरिट्स, या हम पूरा होप है, पूरा चांस है कि हाँ इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत लेगी। सेक इन शूज ट्रेम्बल विथ फियर, जूते में कंपन कब पैदा होती है, जब पैर हिलता है, और वो कब होता है, जब डर लगता है तो पैर भी कांपने लगता है, तो उस समय सेक इन शूज, तो ट्रेम्बल विथ फियर, डर से भरा हुआ। फिट्स एंड स्टार्ट नॉट रेगुलरली, फिट्स एंड स्टार्ट नॉट रेगुलरली, इरेगुलरली। देख रहे हैं आप कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, 3 or 4 times, ओके। तो जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उसे एलिमिनेट नहीं किया गया है, मोस्टली कुछ बार एलिमिनेट किया गया है, तो इसलिए कि ताकि आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और उसको अच्छे से कर लें, बिकॉज हो सकता है कि इस बार जो 3 या 4 question आते हैं उसमें ये चीज़ आपको मिल जाए और तुरंत आप उस चीज़ को लगा दो। क्लोज सेव इट मीन्स नैरो सेव, यहाँ पे सेव का मतलब दाढ़ी बनाना नहीं है, बट आप दाढ़ी बनाने से इसे रिलेट कर सकते हैं। क्लोज सेव, बाल बाल बचा आपका दाढ़ी सेव करते हुए कटा, यानी बियर्ड जो आप सेव कर रहे थे तो आपका गाल कटने से बाल बाल बचा, क्लोज सेव। या फिर एकदम शार्प कटा हुआ, जो आप सेविंग कर रहे हैं ट्रिमर से ना करके आप ब्लेड से कर रहे हैं, तो एकदम क्लोज सेव है, बहुत नजदीक से कटा हुआ आपकी जो सेविंग है पूरी क्लीन है। टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, टू लिसन टू समथिंग विथ अ कंसिडरेबल डाउट,
एक ऐसा डाउट जो कंसीडर किया जा सकता है उसके साथ कुछ सुनना, तो टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। ऑप्शन चॉइस, नो रियल चॉइस एट ऑल, कोई चॉइस नहीं होना। टू ईट अ हम्बल पाई, टू अपोलाइज, अपनी गलती को मानना या फिर माफी मांगना। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, इट मीन्स टू इनकरेजमेंट इवन टू द इनेमी, इनेमी को भी इनकरेज करना। तो गिट गिव द डेविल हिज ड्यू। ओके, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। ऐसा कब होता है? आरसी पैसेजेस में, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उसके पैसेजेस में उस मीनिंग्स को भी खोजना पड़ जाता है जो कि एक्चुअली होते ही नहीं लाइंस में, बस वो हिडन होते हैं उस सेंटेंस में। ओके, एन ओपन बुक, वन डैट होल्ड नो सीक्रेट, एन एक्स टू ग्राइंड, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, टू ब्लो वन आउन ट्रम्पेट, प्रेज वन आउंस एबिलिटी एंड अचीवमेंट, अपनी ही जो उपलब्धियां हैं उसकी व्याख्यान करना। सैंड ऑफ फेस इनडिफरेंट, स्टैंड ऑफ फेस इनडिफरेंट, सोइंग वाइल्ड ओट्स। ओके, तो इरिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, जैसे कि न्यू जनरेशंस क्या होते हैं, इनिशियली अट्रैक्ट होते हैं कि पॉन्ग सेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं इस जो यंग एज में एक ऐसे ओट्स बोने लगते हैं, वाइल्ड ओट्स, जिसका कोई मतलब नहीं है। इरेस्पॉन्सिबल प्लेजर है, समटाइम्स के लिए है, खुशी मिलेगी ऑफ कोर्स, बहुत प्लेजर है, बट उससे एट लास्ट क्या होगा, रिजल्ट खराब होंगे। तो क्लियर है? तो सोइंग वाइल्ड ओट्स, वाइल्ड ओट्स आप बो रहे हो, डैड क्या बोएंगे, बेटा यू आर सोइंग वाइल्ड ओट्स, तो ये प्लेजर आपको बाद में नुकसान करेगा, तो वो हो गया सोइंग वाइल्ड ओट्स। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, बाय लिप्स एंड बाउंड रैपिडली, ऑफ नो अवेल, यूजलेस, ये भी रिपीटेड है। ऑन द वर्ज ऑफ, इट मीन्स एकदम किनारे पे खड़ा होना, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ए सोर पॉइंट, समथिंग विच हर्ट्स, एक ऐसा दुखती रख पे, सुना होगा आपने कि दुखती रख पे उसने हाथ रख दिया या फिर दुखती नब्स पे उसने हाथ रख दिया, तो एक वो सोर पॉइंट जो कि हर्ट करता है। लाइक अ फोनिक्स फिनिक्स विथ अ न्यू लाइफ, रिबर्थ, री इनक्रिएशन, कार्नेशन। फोनिक्स फिनिक्स का मतलब होता है अमर पक्षी, इट मीन्स ऐसा जो बार बार जीवित हो सकता है, जो मरे नहीं, ठीक है। तो लाइक ए फिनिक्स, एक अमरत्व का जो वरदान जिसे प्राप्त होता है उसकी जैसा, विथ न्यू लाइफ, रिबर्थ, री इनकार्नेशन। टू कीप अंडर वॉप्स, इट मीन्स सीक्रेट को छुपा के रखना, सीक्रेट रखना किसी चीज को। डाई इन हार्नेस, टू डाई एट वन वॉक्स, किसी के काम करते हुए या फिर किसी के लिए काम करते हुए मरना, टू डाई एट वन वॉक। फेयर वेदर फ्रेंड, अ फ्रेंड दैट डिजर्ट इन डिफिकल्टीज, छोड़ के भाग जाता है जो धोखा देने वाला फ्रेंड या फिर धोखा देने वाली, आगे आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लें। ए फ्रेंड दैट डिजर्ट इन डिफिकल्टीज, फेयर वेदर फ्रेंड, ओके, जो धोखा देके आपको भाग जाए। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, अपीयर सडनली, कट नो आइस, हैड नो इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, जैसे कि अगर आप किसी के पास से चले जाते हो बट उसका कोई इन्फ्लुएंस उस पर नहीं पड़ता, तो कट नो आइस। ब्राउट अप, इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, इट मीन्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू, सचिन और जो विराट कोहली है तो अब उसमें कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, आप कैन नॉट कंपेयर, आप उसमें कंपेयर भी नहीं कर सकते। बर्न वन बोट, बर्न वंस बोट, लिव्स नो मीन ऑफ रिटर्न, अगर अपना मान लीजिए आप नाव से चल के गए हैं, एक नदी को क्रॉस किए, एक रिवर को, तो आप उधर से रिटर्न होने का कोई मीनिंग नहीं रखते अगर आपने अपनी खुद की बोट जला दी है, बशर्ते आपको तैरना आता हो। मेक वन प्लेस क्रीप, इट मीन्स हॉरिफाई, एकदम डरावना बना देना। प्रोज एंड कॉन्स रिपीटेड, फॉर एंड अगेंस्ट एनालिसिस फॉर ऑल गिवन फैक्ट, इट मीन्स किसी चीज के बारे में डिटेल, फुल डिटेल में बात करना, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, या फिर उसका टोटल एनालिसिस करना। आई होप आपको जो 100 जो आइडियम्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो ऑफ कोर्स आप उसे टिक मार्क कर देंगे। तो इसके बाद आपको करना क्या है, सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, प्लीज़ बहुत मेहनत लगता है, अगर आपके लिए कुछ किया जा रहा है
तो उस चीज को अप्रिसिएट करें, बिकॉज सामने वाले को लगे कि हाँ आप उनकी उसकी जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जा रही है। देन एट लास्ट सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आएगा, एक बेल का आइकन आएगा, घंटी का आइकन आएगा, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको जो है कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ फ्रेंड्स, अकेले पढ़ा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।